कहानी की शुरुआत में हम एक हाउस बोट को देखते हैं, जिसमें एंडी अपने परिवार के साथ रह रहा था, जो कई महीनों से इसी बोट हाउस पर रह रहा है, क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका है जिस कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। इसलिए एंडी अपने परिवार के साथ पानी के बीच रहता था, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी नहीं आ सकते हैं। अब हम एंडी को देखते हैं जो जंगल की तरफ देखता है। वहाँ पर वह एक फैमिली को देखता है जो एंजॉय कर रही होती है। एंडी उनकी तरफ हाथ से इशारा करता है, लेकिन उस फैमिली का मुखिया गन निकालता है और एंडी को दिखाता है ताकि वे लोग उसके परिवार से दूर रहें। जिसके बाद एंडी समझ जाता है और वापस अंदर आ जाता है। रात के वक्त एंडी की पत्नी उससे कहती है कि हम लोगों के पास सिर्फ एक दो दिन का खाना बचा है, इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर खाना मिल सके। पर एंडी को जमीन पर जाना बहुत ही रिस्की लगता है, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी आसानी से हमला कर सकते हैं। अगली सुबह जंगल में हम थुमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर रह रही है। अब हम उसे अपने पैरों पर पत्ते बांधते हुए देखते हैं। वह पत्ते इसलिए बांध रही थी ताकि ज़ॉम्बी उसके पैरों की आवाज न सुन सके और वह ज़ॉम्बी से बच पाए। दरअसल थुम्मी के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और वह ज़ॉम्बी बने हुए अपने पिता को एक गड्ढे में रखती थी और वह दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में अपने पिता को खिलाती थी, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसे अभी भी लगता है कि उसके पिता समय के साथ ठीक हो जाएंगे। अब हम एंडी को देखते हैं जिसे एक बोट पानी में पलटी हुई नजर आती है, जिसके बाद एंडी अपनी छोटी बोट देकर उस बोट के पास जाता है ताकि उसे उस बोट में खाना मिल सके। अब एंडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है कि बोट के अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे लेकर वह वहां से आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है जिससे हम 3 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। अब रात के वक्त एंडी सो रहा था, तब उसकी पत्नी सोचती है कि वह भी बोट के अंदर जाकर कुछ ना कुछ और सामान ले आए, इसलिए वह उस बोट पर जाती है। अंदर जाकर वह कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आने वाली होती है, कोई ज़ॉम्बी उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है और वापस आकर अपने बोट में लगे बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। अब जब एंडी सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही है, जिसे वह उठाता है। अब वह देखता है कि बोट पर खून बिखरा हुआ है और वह बाथरूम की ओर जा रहा है, साथ ही उसकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह बाथरूम के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी घायल है और उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसके बाद एंडी समझ जाता है कि वह अगले 48 घंटों के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगी, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद अगला इंसान 48 घंटों के अंदर ही ज़ॉम्बी बनता है। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को बचा लेगा, इसलिए वह अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुँच पाए। जब वे लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां नजर आती है। तब एंडी देखता है कि वहां पर एक कार खड़ी है जो एकदम सही है। अब एंडी कार के पास जाकर देखता है कि उसमें फ्यूल नहीं है, इसलिए वह उसमें फ्यूल डाल रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी वहां पर आ जाता है। लेकिन एन मौके पर एंडी उसे देख लेता है और वह गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। बीच रास्ते में उसकी पत्नी एंडी से गाड़ी रुकाती है ताकि वह अपने बेटी के कपड़े चेंज कर सके, लेकिन उस दौरान वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह अपने पति से कहती है कि वह उसे छोड़कर वहां से चले जाएं, क्योंकि वह जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी और वह उन दोनों को भी काट देगी। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वह जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, इसलिए वह उसे वापस कार में बिठाता है और कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस कारण एंडी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब एंडी कुछ देर नींद लेने के लिए कार के अंदर ही सो जाता है, लेकिन जब एंडी जागता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह उस पर हमला कर देती है और एंडी के हाथ पर काट देती है। लेकिन एंडी किसी तरह अपने बेटी को लेकर बाहर निकल जाता है और किसी तरह अपनी पत्नी को मार देता है।
और वह देखता है कि उसके हाथ पर भी उसकी पत्नी ने काट लिया है, तो जल्द ही वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए एक बार को तो वह हार मान लेता है कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वह बाद में अपनी बेटी को भी काट लेगा। इसलिए वह खुद को मारने की सोचता है। फिर भी वह अपनी बेटी की तरफ देखता है जो बहुत मासूम थी और उसे जंगल में कोई भी खा सकता था। इसलिए एंडी के पास 48 घंटों का समय था जिसके बाद वह ज़ॉम्बी बनेगा। इसलिए वह घड़ी में 48 घंटों का टाइमर सेट करता है और अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह उस ज़ॉम्बी को देखता है जिस कारण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहां पर थूमी आ जाती है और वह कहती है कि उसके पिता को कुछ मत करो। फिर वह अपने हाथ पर काटती है जिससे खून निकलता है और उस खून को सूंघते सूंघते उसके ज़ॉम्बी पिता उसके पीछे चले जाते हैं। अब एंडी आगे किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे एक कस्बा दिखता है। वह एक घर के अंदर जाता है जहाँ उसे एक औरत मिलती है। वह दिल की अच्छी थी इसलिए एंडी को रात वहीं पर गुजारने देती है और साथ ही एंडी के जख्मों पर पट्टी भी करती है। अब एंडी सोचता है कि वह अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस औरत को भी कैंसर है और वह जल्द ही मर जाएगी। इसलिए वह अपना फैसला तुरंत बदल देता है। अब हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जो ज़ॉम्बियों को मारते मारते जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही में हमें थुमी की माँ को भी दिखाया जाता है जो उसे ढूंढ रही होती है, पर थुमी उन लोगों के पास नहीं जाती है क्योंकि वह अपने पिता के पास रहना चाहती है और उसे पता था कि वे लोग देखते ही उसके ज़ॉम्बी पिता को मार देंगे। इसी कारण वे अपने पिता को गड्ढे में छुपा कर रखती थी। अब हम वापस एंडी को देखते हैं जिस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर हो रहा है। उसे उल्टी होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वह उठकर देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं जिसके बाद वह ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर पर निकल जाता है। बीच रास्ते में उसे एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है। एंडी गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी के अंदर देखता है कि चाबियां है कि नहीं। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर अटैक करने वाला होता है कि अचानक एक गोली चलती है जो उसे ज़ॉम्बी का भेजा उड़ा देती है। ये गोली गड्ढे में पड़े हुए एक बुढ़े आदमी ने चलाई थी। वे एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर एक सिलेंडर के नीचे दब गया था। दरअसल वह गाड़ी उसकी ही थी, इसलिए वह एंडी को गाड़ी की चाबी दे देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम सिलेंडर को आगे खींचो। जिसके बाद एंडी गाड़ी को थोड़ा आगे लेता है और उस बुढ़े आदमी का पैर निकल जाता है, जिसके बाद वह बुढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ अपने घर ले आता है जहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ रहता है। बाद में बुढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ ले जाता है जहाँ वह दिखाता है कि कैसे वह ज़ॉम्बीज को मार कर उनका सामान लूटता है। दरअसल वह बुढ़ा आदमी कुछ लोगों को पिंजरे में बांध के रखता है जिससे अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बी उन लोगों के पास आते हैं और वह मौका देकर बुढ़ा आदमी उनको मार डालता है। इसी सिलसिले के कारण वह अब तक जिंदा था। एंडी देखता है कि पिंजरे में थूमी थी और दूसरे पिंजरे में एक बुढ़ा इंसान था। एंडी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह खुद एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। जब शाम के वक्त वे लोग वापस घर पर आते हैं तो एंडी देखता है कि उसकी बेटी उसे बुढ़े आदमी की पत्नी के साथ खेल रही होती है और उसके साथ काफी आराम से रह रही है। जिसके बाद एंडी सोचता है कि उसकी बेटी अब सेफ है और वह एक जगह पर जाकर अपने आप को मारने ही वाला होता है कि उस बुढ़े औरत की पत्नी आ जाती है। वह उससे कहती है कि रुको, तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साथ ही वह बताती है कि वह उसकी पत्नी भी नहीं है, उसने उसे जबरदस्ती यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जिसके बाद एंडी अपने आप को नहीं मारता है। तभी वह बुढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसे लगा कि एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वह एंडी को बंदूक से मारकर घायल कर देता है और उसे ले जाकर थूमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन एंडी बहुत ही होशियार था, वह थूमी के साथ मिलकर उस पिंजरे से बाहर निकलने का प्लान तैयार करता है और जैसे ही ज़ॉम्बी आते हैं वे लोग ज़ॉम्बीज को चकमा देकर पिंजरे से भाग जाते हैं। वे लोग सीधे उस बुढ़े आदमी के घर जाते हैं ताकि एंडी अपने बच्चे को ले सके, और ऐसा होता भी है। साथ ही वह औरत एंडी के साथ आती है जिस औरत को बुढ़े आदमी ने अपने घर में कैद करके रखा हुआ था। जब वे सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं तभी वह बुढ़ा आदमी जाग जाता है और उन सबको देख लेता है। वह बंदूक लेकर गोली चलाता है लेकिन वह गोली जाकर सीधे उस औरत को लगती है और वह वहीं खत्म हो जाता है, जिसके बाद बुढ़ा आदमी पागल हो जाता है। मौका पाकर एंडी और थुमी वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। वह बुढ़ा आदमी उनको ढूंढने की कोशिश करता है पर वे लोग नहीं मिल पाते हैं। अगली सुबह एंडी किसी सेफ जगह को
ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में वह थुमी को बताता है कि उसके पिता जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वे अब कभी भी वापस पहले जैसे इंसान नहीं बनने वाले हैं। अब थुमी देखती है कि उसके पिता को कबीले वालों ने ढूंढ दिया है और उन्हें मारकर पेड़ पर दफना दिया है, जिसके बाद जोर जोर से रोती है और अपने सिर को पीटने लगती है। तब एंडी आकर उसे समझाता है, पर थुमी एंडी के साथ चलने को अब राजी नहीं थी, इसलिए अब एंडी अकेले ही निकलता है क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा था और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंडी बेहोश हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब पास में बैठी उसकी बेटी रो रही थी, जिसकी आवाज थुमी के कानों तक जाती है। आवाज सुनकर थुमी वहाँ पर आती है और वह उस नन्ही सी बच्ची को उठा लेती है। अब थोड़े समय के बाद एंडी को वापस होश आता है। अब वह सोचता है कि वह उस फैमिली के पास चला जाएगा जिसे उसने शुरुआत में नदी के किनारे जंगल में देखा था, और उसकी बेटी उन लोगों के पास सुरक्षित रहेगी। अब वह उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अब वहाँ तक थुमी भी साथ चलने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि एंडी को थुमी का साथ चाहिए था। आखिर में वह लोग उस फैमिली को ढूंढ लेते हैं। एंडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है, पर उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह आदमी चुप्पी से एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, जिससे वे अपने परिवार को खत्म करेगा और बाद में बंदूक में 2 गोलियां बजेगी, जिससे वे एंडी से कहता है कि वह चाहे तो वह खुद को और अपनी नन्ही बच्ची को भी मार सकता है। लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है और वह वहां से चला जाता है। तभी एंडी को पीछे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वह समझ जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ खुद को भी खत्म कर लिया है। अब एंडी के पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी जहां वह जाकर अपनी बेटी को छोड़ सके, इसलिए वह खुद को मारने वाला होता है। लेकिन तभी थुमी उससे कहती है कि उसका एक कबीला यहां से थोड़ी ही दूरी पर है और तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के लोगों के पास छोड़ सकते हो। अब यह बात एंडी को सही लगती है और उसके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वे लोग जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, पर वे लोग उनसे बचकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरंग के अंत में वह बुड्ढा आदमी मिलता है और एंडी पर हमला करता है, पर एंडी भी अपनी बंदूक निकाल लेता है जिसमें 2 गोलियां बची थी, और लड़ाई के दौरान एंडी एक गोली उस बुड्ढे आदमी को मार देता है, लेकिन एक गोली एंडी को भी लग जाती है। लेकिन उस बुड्ढे आदमी में अभी भी बहुत जान बची थी। वह जाकर एंडी की बेटी को उठा लेता है, लेकिन उस मासूम लड़की का चेहरा देखकर उसे दया आ जाती है और वह अब एंडी को जाने देता है। बीच रास्ते में एंडी की तबीयत और बिगड़ जाती है। अब उसमें ज़ॉम्बी के बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एंडी को अब मांस खाने का बहुत ही मन हो रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल करता है क्योंकि अभी भी उसकी बेटी सुरक्षित नहीं थी। अब वह सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह एक लकड़ी लेता है और उसके आगे मांस का टुकड़ा बांध देता है और थुमी को कहता है कि वह इस लकड़ी को लेकर उसकी पीठ पर बैठ जाए। अब एंडी अपने दोनों हाथों को भी बंधवा लेता है ताकि वह ज़ॉम्बी बने तो वह उन लोगों को काट न पाए। अब वे लोग चलना शुरू करते हैं और एंडी अब मांस खाने के लालच में आगे बढ़ता रहता है और वे लोग इस तरह उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। अब कबीले के लोग एंडी को मारने ही वाले होते हैं कि थुमी दिख जाती है। फिर कबीले के सारे लोग एंडी और थुमी को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग थोड़ा एक्टिव था। वह जाते जाते भी अपने सिर को बेटी की तरफ हिला रहा था, यानी वह कबीले के लोगों से कह रहा था कि वे लोग उसकी बेटी का ख्याल रखें। अब कबीले के लोग भी यह बात समझ जाते हैं और अंत में वे एंडी को मार डालते हैं क्योंकि अब वह एक ज़ॉम्बी बन गया था। मूवी के अंत में हमें एंडी की बॉडी को एक पेड़ पर रखी हुई दिखाई जाती है, जिसके पास थुमी खड़ी थी और वह उसकी बेटी का ख्याल रख रही थी। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा है तो पसंद करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।